सभी आदमी ध्यान देंगे तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 5 दशमलव कितना देख रहे हैं, 5 बोला है, 8 दशमलव 4, जिसमें से हम लोग 5 के 7 तक कंप्लीट कर दिए थे प्रश्न को ना। आज 5 के 8वां देखेंगे, ठीक है, 5 के 8वां हमको साबित करना है कि होल साइन ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए न, फिर प्लस में कॉस ए प्लस एक का होल स्क्वायर ना, और ला देना है हमको 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। आइए इसको साबित करेंगे, एल एच एस ले लेंगे, कथी ले लेंगे एल एच एस, कथी है भाई साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कथी सेक ए का कथी होल स्क्वायर। आइए सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, ए लग रहा है बी लग रहा है, ए प्लस बी ए प्लस बी तो कथी होता है ए स्क्वायर प्लस 2 a b b b हो गया। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस अच्छा ऐसे लिख दे फॉर्मूला है, इसमें a स्क्वायर प्लस 2 a a कितना है भाई cos a 2 B. A, B. B कितना हुआ? A, A, A. प्लस कती? B स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? देखिए A स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर, फिर इसका A प्लस B का तुलना तो A स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस कती? B स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? चलिए आइए जिसका जिसका जोड़ी बना इसको एक साथ लिख दें। साइन स्क्वायर A प्लस 2 गुणे यहाँ पे एक हो जाएगा, पता है ना साइन इंटू कॉस एक होता है, कॉस एक के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है कि नहीं, कॉस एक के जगह पे बोलो रे होता है नहीं फॉर्मूला, चलो प्लस कॉस एक इसको रहने दीजिए, अन्यथा हम तो कहते हैं इसको आगे कर दीजिए, कर दे बोलो अरे ना भाई साइन स्क्वायर ए वाला कॉस इसको आगे कर दे, इसका जोड़ी लगाने के लिए बोलो तो इसको आगे तो भेज दी हटा दे, प्लस में कथी है 2 समझ में आ रहा दे कॉस ए इंटू कथी, हाँ इसका भी तो एक होता है ना फॉर्मूला कॉस इंटू सेक एक होता हुआ, आप प्लस में सेक यहाँ पर लिख सकते 1 माइनस होता है, कहीं फॉर्मूला गलती नहीं ना लिखा रहा है, यहाँ प्लस होगा ना, वो प्लस होगा ना, अब सही है, सही है अब ठीक है ना, फिर 1 प्लस में कथी 10 स्क्वायर देखो यहाँ पे कॉसेक के जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात कथी है सेम है, हमको लाना का थी ठीक है लाना से आ रहा है, चलो इसके लिए आप कितना लिखेंगे, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, समझा कि नहीं, साइन के साइन यहाँ के यहाँ और इसको जो जोड़ी लगा दी इसके साथ प्लस में इधर उधर कर सकते कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कितना होगा एक प्लस तो दो एक कम एक प्लस कॉट स्क्वायर के साबित करना, इसको बाद में लिख दो है बाद में लिख दे बाद में लिखेंगे ठीक है, इसको छोड़ दो आ जाओ दो एक कम एक के पहले क्या लिख दे वहां देख लेना जो साबित करना है, फिर जोड़ दो अब 7 देगा 2 1 3 1 4 और 2 6 1 7, नहीं समझ में आया तो कोई पूछ सकता है, समझ में आएगा तो नहीं पूछेगा छाप लेगा, बोलो भाई माइक जो है यहाँ रखा था ना चलिए कोई दिक्कत नहीं है हम समझा देते हैं फिर से ठीक है, ध्यान देना उतारो पहले उतारो चलो समझ लो फिर से, माइक वहां रखा है पढ़ा दीजिए बताइए तुम लोग भी ध्यान देना सबका बोर्ड पे ध्यान देना, चलो अच्छा बात है चलो क्या किए फिर से समझिए इसको समझिएगा, साइन ए प्लस कती कॉस ए ए स्क्वायर प्लस कती कॉस ए प्लस कती सेक ए स्क्वायर बराबर कती है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको कैसे करना था साबित करना, तो हमने क्या किया एलएचएस ले लिया, एलएचएस है ना इसका और इसका तोड़ दिया और इसका और इसका तोड़ दिया, इसका तो मतलब कैसे हो गया देखिए साइन ऐसे क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस कती
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका प्रयोग होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिखकर साइन के साइन लिख दिए यहाँ पे स्क्वायर के स्क्वायर है ना। इसका दूरी लगाने के लिए क्या है साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक होता है ना। इसका दूरी लगाने के लिए यहाँ लिख दिए ठीक है दू के दू साइन इंटू कॉस कितना होता है प्लस था प्लस फिर यहाँ पे कॉस के स्क्वायर के यहाँ पे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं लिख दिए प्लस के प्लस इसको पहले ही क्या कर रहे थे दू के दू कॉस इंटू से कितना होता है ए प्लस के प्लस एक जगह पे वन प्लस टू स्क्वायर ए लिख सकते हैं नहीं बुआ इसके जगह पे तो दू एक कम देखो यहाँ दू के दू था दोनों के जगह पे कितना लिखा गया ए जो है ई खत्म इतना खत्म सेक स्क्वायर एक जगह पे लिख दिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखे ई दोनों के जगह पे एक लिखा जाएगा दू एक कम प्लस तो वन तो फिर यहाँ पे देखिए ई बला इसको अंतिम में लिखे दू एक कम फिर वन तो पहले टेन लिख दिए हैं फिर ई वाला लिख दिए कोई दिक्कत सब को सब एक दो तीन तीन एक चार दो छह एक सात आ गया टेन स्क्वायर के टेन स्क्वायर वन स्क्वायर के बोलो यही ने साबित करना था। चलिए चलो बुआ आप क्वेश्चन नंबर जो है पांच के नौ देखिएगा इसमें कह दिया है नीचे देखो संकेत में कि बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए ऐसा प्रश्न भी हम लोग देखे थे पीछे यानी इसको जो है LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ। लीजिए हम लोग लेंगे पहले LHS कथी है cos a माइनस कथी साइन ए फिर से ए माइनस cos a हो गया। आइए यहाँ पे ध्यान देंगे इसको साइन बदलेंगे होगा साइन ए होगा इसको साइन में है तो छोड़ दीजिए इसको एक बटा कथी में cos a cos है तो छोड़ दीजिए है ना बोले कोई दिक्कत ऐसे में लीजिएगा ना कुछ तो बटा में कथी है देखो हम डेढ़ बनाए इसमें गुणा करते हैं इसमें जोड़े जोड़ दे घटा होता साइन में साइन साइन स्क्वायर घटे कितना वन हो जाएगा बटा में साइन के साइन ऐसे समझ में आता है ना। चलो लेकिन अब वाला बनाते हैं चलो ना कुछ तो बटा में एक है साइन एक का एलसीएम साइन हो जाएगा आसान से साइन करते कितना एक से साइन में गुणा कीजिएगा भाग दीजिएगा साइन या साइन में साइन से तो कथी स्क्वायर बोलो भाई साहब कॉस ए होगा एलसीएम ऐसे तब डायरेक्ट लिख सकते हैं वन माइनस कथी कॉस स्क्वायर हाँ लेकिन ना लिखेंगे कॉस कॉस कटेगा एक एक कम इसे भाग दीजिए तो कॉस ए आएगा इसमें गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए ठीक है बोले कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग वन माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन ए स्क्वायर में लिख सकते हैं फॉर्मूला होता है कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है उसी से फॉर्मूला बनाया था तीन चार गो बना था ना वही वाला फॉर्मूला है गोतिया से गोतिया मिल रहा है गोतिया से गोतिया मिल रहा है चलो समझ आ गया साइन से साइन गया कॉस से कॉस गया तो ऊपर बच गया कथी कॉस ए कथी उन्हें ना होगा रे साइन भैया ये एलएचएस सॉल्व करने पर इतना आया आइए अब ले लेंगे हम लोग कथी आरएचएस वन बटा कथी प्लस है प्लस ठीक है आइए सर इसको इधर करें सॉल्व करिए एक के एक हाँ इसको बदलेंगे कथी साइन थीटा यानी साइन ए बटा में कथी फिर कॉस ए बटा में कथी साइन बतिया रहा है कलर है पकड़ लिख लिखा ध्यान दो यहाँ पे इसको बदल दिए ना सर्व समय के वाला फॉर्मूला लिख पाए थे उसमें एलसीएम लेंगे पहले लिख दो भाई एक यहाँ पे एलसीएम मैंने बताइए होगा ठीक है कॉस साइन का एलसीएम कॉस ए साइन है बगलेट है ये है देखो यहाँ पे कॉस साइन कैसे में तो कॉस ए साइन ए होगा कॉस ए कॉस करते तो साइन बचेगा साइन में साइन से तो साइन ज्यादा डबल लिखा के ना साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस हाँ अब यहाँ पे देखिए अरे
साइन से साइन क्या करते हो आप? कॉस स्क्वायर। ठीक है बोलिए, ये ना होगा अब यहाँ पे देखिए, तब यहाँ कितना हो गया, यहाँ देखो तो ई एक अनुसूचित बटा कथी है, एक है, सॉरी मीन बटा ई ना है, अनुसूचित बटा में एक है ना रे, उसको पलटेंगे कॉस ए इंटू कथी आई नीचे चला गया एक से एक गुना जस के हो गया। इसका फॉर्मूला होता है ना एक या पॉलस है, बुआ पॉलस है होता है ना, बुआ फॉर्मूला एक ये ना लाना था हमको स्क्वायर कहां से चला है हट। ठीक है जस्ट कितना हो गया, इसलिए पे कितना रख दिए एक ही ना लाना था हमको, देखो आया कि ना सेम सेम आए लिख सकते, इसलिए एल एच एस बराबर का थी समझ में आ रहा कि ना, यहाँ पे समझे मेन बटा हो गया तो यहाँ नवस्त बटा में एक है हाँ। पलटेगा भिन्न के भाग काम करेगा बढ़ेगा ऊपर चल गया नीचे चला गया है ना, चाहते तो हम यहाँ पे एक लिख सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कि एक से एक गुणा करा दिए, आपको समझाने के लिए ऊपर जस के तस इसको गुणा कर जस के आइए, अब ई वाला भी जस के तस इसके जब कितना एक फॉर्मूला होता है ना हाँ। समझने के लिख सकता है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थी कॉस स्क्वायर थीटा, ए दे दो एंगल ए दे दो कितना होता है एक होता है ठीक है ना हाँ। चलो आई जस के दस बटा में एक हो चाहे ना उसको फर्क नहीं, चलिए कैमरा क्वेश्चन था नौ तारीख, चलो बुआ ये जो है आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए लास्ट प्रश्न जो है बना लिया हाँ। तो सब बना लिया पांची बना लिया क्या सुनो चापे देखा है ना मारने लगे चापा मराया देखो तभी ये चापा नहीं कौन बनाया ये बना चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ई है ई है ई है तो ऐसे यदि खड़ा होते तो ई ई तो ये हो गया एल एच एस, ये हो गया बीच वाला को लिए हम बताए थे एम एच एस हाँ मिडिल हैंड साइड यानी बीच वाला मिड हैंड साइड ऐसे भी हो सकते एल एच एस पर ले लेंगे कोई के लेके उसके बराबर कर दो, तो हम इसको लेंगे उसके बराबर करेंगे फिर इसको लेंगे उसके बराबर कर देंगे ठीक है चलो एल एच एस ले लेते तो वन प्लस कितना है टेन स्क्वायर इजी है ध्यान दो भाई ध्यान दोगे तुरंत बन जाएगा ठीक है अब ध्यान दो वन हो गया ना ए देखो फॉर्मूले होता वन प्लस टेन स्क्वायर का जो होता सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं आ बोलो होता है कि नहीं हाँ। और इसका होता है कॉस बोले कॉसेक बोलते ना बुआ बोलो कॉसेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं फॉर्मूला दे खड़ा जाओ तो भूला है दोनों खड़ा जाओ चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए इसलिए पे सेक स्क्वायर ए इसलिए पे कॉसेक स्क्वायर ए अब इसके जगह पे देखते इसके जगह पे लिख सकते एक बटा कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना रे और इसके यहाँ पे एक बटा साइन स्क्वायर ए भिन्न के काम करेगा भिन्न के भाग का तो एक बटा कथी हो गया कॉस स्क्वायर ए गुणे पलटेगा भाई साइन स्क्वायर ए बटा ए एक से एक साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बराबर साइन बटा कॉस कैसे होता है टैन होता है स्क्वायर होता है स्क्वायर चलो एगो ये आ गया बोलो एगो ये आया रे अब आवाज लीजिए एम एच एस क्या एम एच एस वन माइनस टेन बटा में वन प्लस माइनस प्लस हाँ माइनस होल स्क्वायर यही है हाँ आ जाओ भाई वन के बटा के टेन है जब लिखे थे साइन थीटा तो साइन ए बटा में कथी कॉस ए बटा में वन माइनस कथी कॉस ए बटा में इसमें भिन्न के जोड़ घटाव अच्छा सा ना चाहिए गुणा करे भिन्न का शॉर्ट वाला कॉस से कम कॉस घटे घटी साइन ए बटा में कॉस ए मेन बटा ही हो गया
मीन बटा को थोड़ा डबल बनाना ताकि थोड़ा समझ में आए, ठीक है। साइन कम साइन घटे कॉस बटा में साइन, तो दिक्कत ना। चलो ब्रैकेट भी है ना रे, पलटेंगे हाँ कॉस ए घटे का चुका साइन है बटा में घटेगा वो आ कॉस ए, ठीक है पलटेगा तो ऊपर का जो क्या साइन ए बटा में का जो क्या साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए पुलिस कॉल है ना बुआ। हाँ चलो अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट से लिख सकते हैं ना, यहाँ से माइनस निकाल ले माइनस ठीक है गुना नहीं कराना है ब्रैकेट देने के तो मान लेते हैं गुने हो गया इसमें से माइनस निकाल लेते हैं तो कितने बचेगा ऊपर ये प्लस में हो जाएगा हाँ। साइन ए ये कितने में हो जाएगा माइनस में कॉस कॉस ए आई वाला सटा देते हैं ठीक है पूरा समझ आ रहा है सबको ये वाला कॉस से गुना ना करा के सटा देते हैं ऐसे और साइन ए घटे कॉस ए छोटा बड़ा बड़का यूज कर ले बड़का यूज कर सकते हैं क्या बोलते हैं मछला प्लस कर क्या बोले उसका गोतिया मिल रहा ये वाला गोतिया ना मिल रहा क्या कथी बच क्या माइनस साइन ए बटा में कथी कॉस ए ठीक है अब देखिए साइन बटा कॉस कथी होता है टेन होता है माइनस कथी में बदल देगा प्लस में बदल जाएगा कन्फर्म हाँ। चलिए तो माइनस इसके यहाँ पर लिख सकते हैं टेन ए है ना स्क्वायर के स्क्वायर माइनस कथी में बदल गया ये ना रहा था हो गया भाई प्रूफ चलो जगह नहीं से इतना लिख के छोड़ कोई दिक्कत है उत्तर तो इसके साथ ई एक्सरसाइज हो गया स्वाहा। चलिए अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कुछ बचा खुचा क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए डाउट होगा तो पूछ लेना उतारो। चलिए प्रश्न संख्या कितना 13 यही है ना आपको सिद्ध क्या करना है एक लाना है sec a whole 1 minus sin a sec a plus tan a बराबर a नहीं आपको एक लाना है हम लोग लेंगे LHS ठीक है कैसे लिखेगा sec 1 minus sin a sec a plus कैसे tan है ना ये चलो लिख देते ठीक है। अब देखो तो भाई इसको कैसे लिख सकते हैं एक बटा कॉस लिख सकते हैं इसको वन माइनस साइन ए रहने दो इसको लिख सकते कैसे एक बटा कॉस ए बोलो कोई दिक्कत प्लस साइन थीटा मतलब साइन ए बटा में कैसे कॉस ए बोलो कोई दिक्कत ना एक बटा देखो इससे गुना होगा तो कैसे हो जाएगा वन माइनस का थी साइन ए बटा में का थी कॉस ए बोलो यहाँ पे सेम सेम है तो लिख से देंगे ऐसे आता ना भिन्न के जोड़ हाँ। लिख क्यों रहा भाई बंद करो लाइटिंग वो भी छोड़ो बाद में लिखना जब समझा रहे तो यहाँ समझो अपनी से कुछ नहीं समझा बकले जैसा उतारने उतारने में तो ऐसा समझ लग गया रहता तो इधर फिर से इसको कहते कि जस के तरह से लिखे एल एच एस ले लिए इसको ऐसा बदल सकते हैं जस के तरह से सेक को लिख सकते हैं एक बटा कॉस प्लस प्लस टेन को लिख सकते साइन ए बटा में कॉस ज्यादा कोई दिक्कत ये ना कुछ तो बटा में एक है तो नीचे के नीचे गुना हो गया कॉस से कॉस ऊपर के ऊपर बोलो समझ में आया ठीक है। अब भिन्न के जोड़ कर रहे हैं हर समान आता तो ऊपर का जोड़े जोड़े से घटा होता घटा देते वन प्लस कथी हो गया साइन बोलो ए माइनस बी ए प्लस तो ए माइनस बी या ए प्लस बी या ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी कथी होता ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कथी पट्टा में कथी कॉस कॉस तो कॉस स्क्वायर एक का स्क्वायर हटा दो एक बार स्क्वायर रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए कथी होता है स्क्वायर ए होता है पट्टो में कॉस स्क्वायर ए कितना आ गया चलिए उतारिए चलिए बुआ बात कम कीजिए उदाहरण 14 देखो क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो, अरे पकड़े है का, देखो ना पहले को उदाहरण 14 देखो। देखो इसको बनाए ले, ऐसा समझ लेना तू सर क्या है इसमें, ये एक लाइन दो लाइन के काम है। हाँ, ठीक है। अब 15 पूछ रहा है तो 15 में कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे कथी से कर देना है। देखो यहाँ पे दे सर्व समीकरण क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करना था, ऐसा क्वेश्चन ना करवाते, ध्यान करो। ऊपर नीचे कथी करना है, ऐसे प्रश्न में साइन थीटा से कथी कर देना है, भाग कर देना है, कथी कर देना है, साइन थीटा से भाग कर दोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसमें बना लिया ये समझ समझ के बना लेना, ठीक है। चलो और प्रीवियस ईयर वाला ऑब्जेक्टिव कुछ था देखा ना, तो आई तो समय हो गया खत्म, कल जो है इसको खत्म करके भी और हम लोग कल 9वां चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आज भर एनर्जी पकड़ो भाई।